नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको साहित्य और समाज पर निबंध बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे है। यह बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है और 2021 में भी पूछा जाएगा, इसलिए दोस्तों इसको आप अच्छे से समझिएगा। हमें इसमें प्रमुख विचार में लिख, पहले में साहित्य क्या है, दूसरे में साहित्य की कतिपय परिभाषा है, समाज क्या है, साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध, साहित्य समाज का दर्पण, पांचवा है साहित्य की रचना प्रक्रिया, छठा है साहित्य का समाज पर प्रभाव और सातवा उपसंहार। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साहित्य क्या है? तो साहित्य शब्द साहित्य से बना है, साहित्य का भाव ही साहित्य कहलाता है, साहित्यस्य भावा साहित्यस्य, साहित्य के दो अर्थ हैं, साथ एवं हितकारी, साथ प्लस हित, हित साहित्य या कल्याणकारी। यहाँ साथ से आशय या शब्द और अर्थ का साथ, अर्थात सार्थक शब्दों का प्रयोग, सार्थक शब्दों का प्रयोग, सार्थक शब्दों का प्रयोग तो ज्ञान विज्ञान की सभी सभी शाखाएं करती हैं। तब फिर साहित्य की अपनी क्या विशेषता है? वस्तुतः साहित्य का ज्ञान विज्ञान की समस्त शाखाओं से स्पष्ट है। पहला, ज्ञान विज्ञान की शाखाएं बुद्धि प्रदान या तर्क प्रदान होती हैं, जबकि साहित्य हृदय प्रदान। दूसरा, शाखाएं तथ्यात्मक तब जब कि साहित्य कल्पनात्मक। तीसरा, ज्ञान विज्ञान की शाखाओं का मुख्य लक्ष्य मानव की भौतिक सुख समृद्धि एवं सुविधाओं का विधान करना है, पर साहित्य का लक्ष्य तो मानव के अंधाकरण का परिष्कार करते हुए उसमें सद्वृत्तियों का संचार करना है, आनंद प्रदान कराना। यदि साहित्य की सफलता है तो मानव मन का उन्नयन, उनकी सार्थकता। चौथा दिया है, चौथा मन लिखेंगे। ज्ञान विज्ञान की शाखाओं में कथ्य विचार ही प्रदान होता है, कथन शैली गौण, वस्तुतः भाषा शैली, वहाँ विचार भी व्यक्ति की साधन मात्र। दूसरी ओर साहित्य में कथ्य से अधिक शैली का महत्व। उदाहरण उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या है हमारा, उदाहरण दिया हमारा जल, उदाहरण दिया जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से विचित्र कर रहा अंधेरा। इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। इसका अर्थ हुआ हमारा कवि कहना केवल यह है कि प्रिय के संयोग काल में जो हृदय हर्षोल्लास से भरा रहता था, वही अब उसके वियोग में गहरे विषाद में डूब गया है। यह एक साधारण व्यापार है जिसका अनुभव प्रत्येक प्रेमी हृदय करता है, किंतु कवि ने दीपक के रूप द्वारा इसी साधारण सी बात को अत्यधिक चमकदार पूर्ण ढंग से कहा है, जो पाठक के हृदय से कहीं गहरा छू लेता है। स्पष्ट है कि साहित्य में भाव और भाषा, कथ्य और कथन शैली, अभिव्यक्ति दोनों का समान महत्व है। यह अकेली विशेषता ही साहित्य को ज्ञान विज्ञान की शेष शाखाओं से अलग करने के लिए पर्याप्त है। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे साहित्य की कतिपत परिभाषाएं। प्रेमचंद जी साहित्य की परिभाषा इन शब्दों में देते हैं, सत्य से आत्मा का संबंध तीन प्रकार का है, एक जिज्ञासा का, दूसरा प्रयोजन और तीसरा आनंद का। जिज्ञासा का संबंध दर्शक का विषय है, प्रयोजन का संबंध विज्ञान का विषय है और आनंद का संबंध केवल साहित्य का विषय है। सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है, वहीं वह साहित्य हो जाता है। इस बात को विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर इन शब्दों में कहते हैं, जिस अभिव्यक्ति का मुख्य लक्ष्य प्रयोग के रूप से व्यक्त करना नहीं अपितु विशुद्ध आनंद रूप को व्यक्त करना है, उसी को मैं साहित्य कहता हूँ। प्रसिद्ध अंग्रेज समालोचन डी क्विंसी के अनुसार साहित्य का दृष्टिकोण उपयोगितावादी न होकर मानवतावादी है। ज्ञान विज्ञान की शाखाओं का लक्ष्य मानव का ज्ञान वर्धन करना, उसे शिक्षा देना, इसके विपरीत साहित्य मानव का अंतर विकास करता है, उसे जीवन जीने की कला सिखाता है, चित्त प्रसादन द्वारा उसके नूतन प्रेरणा एवं स्फूर्ति का संचार करता है। समाज क्या? एक ऐसा मानव समुदाय जो किसी निश्चित भूभाग पर रहता हो, समाज परंपराओं, इतिहास, धर्म एवं संस्कृति से आपस में जुड़ा हो तथा एक भाषा बोलता हो, समाज कहलाता है। साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध, साहित्य समाज का दर्पण। फिर इसके बाद हम समाज और साहित्य पर घनिष्ठ रूप से आबंध है। साहित्य का जन्म वस्तुतः समाज से ही होता है। साहित्य
साहित्य का संबंध वस्तुतः समाज से ही होता है। साहित्यकार किसी समाज विशेष का ही घटक होता है। वह अपने समाज की परंपरा, इतिहास, धर्म, संस्कृति आदि से ही अनुप्राणित होकर साहित्य रचना करता है और अपने कृति में इनका चित्रण करता है। इस प्रकार साहित्य अपनी रचना की सामग्री किसी समाज विशेष से ही चुनता है तथा अपने समाज की आशाओं, आकांक्षाओं, सुखों, दुखों, संघर्षों, अभावों और उपलब्धियों को वाणी देता है तथा उसका प्रामाणिक लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। उसकी सामर्थ्य वाणी का सहारा पाकर समाज अपने स्वरूप को पहचानता है और अपने रोग का सही निदान पाकर उसके उपचार को तत्पर होता है। इसी कारण किसी साहित्य विशेष को पढ़कर उस काल के समाज का एक समग्र चित्र मानस पटल का अंकित हो सकता है। इसी अर्थ में साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे साहित्य की रचना प्रक्रिया। सामर्थ्य साहित्य अपनी अतल स्पर्शनीय प्रतिभा द्वारा सबसे पहले अपने समकालीन सामाजिक जीवन का बारीकी से पर्यवेक्षण, अब इसके बाद पर्यवेक्षण बंगाल में शरद चंद्र ने अपने उपन्यासों में कन्याओं को बाल विवाह की अमानवीयता एवं विधवा विवाह निषेध की निशस्तता को ऐसी सशक्तता से उजागर किया है कि अंततः बाल विज्ञान को कानून द्वारा निषिद्ध घोषित किया गया एवं विधवा विवाह का प्रचलन हुआ। उपसंहार, निष्कर्ष यह है कि समाज और साहित्य का परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। साहित्य समाज से ही उद्भूत होता है क्योंकि साहित्यकार किसी समाज विशेष का ही अंग होता है। वह इसी से प्रेरणा ग्रहण कर साहित्य रचना करता है एवं अपने युग की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता हुआ समकालीन समाज का मार्गदर्शन करता है। किंतु साहित्यकार की महत्ता इसमें है कि वह अपने युग की उपज होने पर भी उसी से बंधकर नहीं रह जाए अपितु अपनी रचनाओं से चिरंतर मानवीय आदर्शों एवं मूल्यों की स्थापना द्वारा देश कालातीत बनकर संपूर्ण मानवता को नई ऊर्जा एवं प्रेरणा से स्पंदित करे। इसी कारण साहित्य को विश्व मानक की सर्वोत्तम उपलब्धि माना गया है जिसकी समझकर्ता संसार की मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु की भी नहीं कर सकती क्योंकि संसार का संपूर्ण ज्ञान विज्ञान मानवता के शरीर का ही पोषण करता है जबकि एकमात्र साहित्य ही उसकी आत्मा का पोषण है। एक अंग्रेज विद्वान ने कहा है कि यदि कोई संपूर्ण अंग्रेज जाति नष्ट भी हो जाए किंतु केवल शेक्सपियर बचा रहे तो अंग्रेज जाति नष्ट नहीं हुई मानी जाएगी। ऐसे युग सृष्टा और युग दृष्टा कलाकारों के सम्मुख संपूर्ण मानवता कृतज्ञ पूर्वक नमस्ते तक होकर उन्हें अपने हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित करती है एवं उनके यश को दिग्दिगंध व्याही करती है दिग्दिवाही बना देती है। अपने पार्थिव शरीर से तिरोहित हो जाने पर भी वे अपने यश रूपी शरीर से इस सारा धाम पर सदा अचर अमर बने रहते हैं। जयंती ते शुक्र तीनों रस सिद्धा कविस्वरा नस्ति ऐसा यसा कायो जरामरता भयम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें।